शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 200 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया, जिसमें कुल 67,106 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 54,202 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 12,904 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 200 केंद्रों पर मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसके लिए 1,03,000 का टारगेट दिया गया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से निर्धारित लक्ष्य से कम कुल 67,106 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। सीएमओ ने कहा कि जनपद में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है, इसलिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे ज़िले में 200 सेंटरों में वैक्सीनेशन चल रहा है। आज का मेगा वैक्सीनेशन राउंड चल रहा है। कब को टारगेट दिया, 1,03,000 का टारगेट दिया गया है। अभी तक हम 40,000 लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। आज चूँकि सुबह से मौसम थोड़ा ख़राब था, तो सुबह लोग कम लाभार्थी कम आए, जिससे वैक्सीनेशन थोड़ा कम हो पाया। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर खुला है, वेदर ठीक हुआ है, लोगों की भीड़ हमारे सेंटरों पर आ गई है और हम आशा करते हैं कि हम लक्ष्य से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर पाएंगे।